दोस्तों नमस्कार। जीके की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से संबंधित है, जो कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय से ये न्यूज़ निकल रही है। न्यूज़ है आपकी परीक्षा को लेके, एग्ज़ाम को लेके, एडमिट कार्ड को लेके, सेंटर को लेके, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी लेटेस्ट जानकारी रोज़ाना मिलती रहती है। तो देखिए दोस्तों, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 600 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं पहली बात तो, और 25 को आवंटित होंगे सेंटर। मतलब कल आपके सेंटर आवंटित कर दिए जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर किस ज़िले में आया है, किस ज़िले में नहीं आया। और 600 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं पूरे एग्ज़ाम के लिए। अब आगे इसमें कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6, 7 व 8 नवंबर को 6 पारियों में होगी। परीक्षा में 17.5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे दोस्तों। 600 सेंटर बनाए गए हैं और 25 अक्टूबर को पुलिस की वेबसाइट पर अभ्यर्थी अपनी SSO ID से यह पता कर सकेंगे कि उनका सेंटर किस ज़िले में आया है। 1 नवंबर के बाद अभ्यर्थी परमिशन लेटर डाउनलोड कर सकेंगे और 5438 पदों के लिए हो रही भर्ती में हर दिन लगभग 6 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे दोस्तों। तो एक दिन में लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी दोस्तों। और कांस्टेबल भर्ती की जिम्मेदारी संभाल रहे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थी ने जिस जिले के लिए आवेदन किया है उसका परीक्षा सेंटर उस जिले में न होकर अन्य जिले में आएगा। आवेदन जिला स्तर पर किए गए हैं, ऐसे में मेरिट भी जिला स्तर पर बनेगी। परमिशन लेटर ऑनलाइन मिलेंगे, परीक्षा ऑफलाइन होगी। सबसे बड़ी बात, परीक्षा ऑफलाइन होगी और परीक्षा लगातार 3 दिन में 6 पारियों में आयोजित करने से ज़्यादा परीक्षा सेंटर की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। तो पहला आपका बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा परीक्षा सेंटर, परीक्षा ऑफलाइन होगी और जिले के स्तर पर ही मेरिट बनेगी और आवेदन जिस जिले में किया है उससे अलग ज़िले में आपका सेंटर आएगा दोस्तों। तो ये बहुत सारी कांस्टेबल भर्ती से संबंधित आपके जो भी डाउट थे वो इस वीडियो में आप क्लियर हो गए दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।